SN Live सच सबसे आगे। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अल्लाह सुभान ताला उसे जन्नत नसीब फरमाए। इसकी सदाम की जो मौत हुई है वो एक सोची साजिश के तहत हुई है, नहीं है मर्डर किया गया। अगर जिस तरह से उसके किसी दोस्त ने खबर किया था कि सद्दाम को लोग उठा के ले गए और फिर इलाज कराने ले गए, अगर पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहती तो मैं समझता हूँ कि 22 तेईस को ये घटना नहीं था, लेकिन होनी थी। अब से भी मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी दोषी हैं उसको सजा दी जाए, उसकी गिरफ्तारी हो, और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जितना मैक्सिमम जो बिहार सरकार के थ्रू मिलता है मुआवजा वो दिया जाए, क्योंकि वीकर सेक्शन से लोग हैं, घर में वही कमाने खाने वाला था, और अब लोग जो भी उसमें राजनीति करें वो दूसरी बात है, लेकिन मरने उपरांत मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के ऊपर राजनीति की जाती। उस लड़के के पूरी फैमिली को भी जो है वो इन्विटेशन मिला था, निमंत्रण मिला था, हमने देखा है जी। अब कोई पिला उला करके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसी रंजिश भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हक है कि वो कानून को हाथ में ले। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटे में गिरफ्तारी की बात की गई थी, आश्वासन दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एसपी साहब से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन आज संडे है इसलिए वो शायद किसी और जगह पे। मैं पर्सनली इस मैटर पे एसपी साहब से बातचीत करूँगा और उनको बोलूँगा, और फिर पटना के लॉ एंड ऑर्डर को जो हमारे एडीजे हैं उनसे भी बात करूँगा, DIG साहब से भी छपरा जाके बात करूँगा कि दोषी वो बक्सा नहीं जाए, उनकी जो है वो सुराग लें, सुराग मिल जाए तो रेस्क्यू हो। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक मोड़ ले रहा है सद्दाम का हत्या का जो मामला है, लगातार विपक्षी दल के तरफ से बयानबाजी हो रही है, वहीं आपके ही पार्टी से पूर्व विधायक श्याम बहादुर के द्वारा, हालांकि उनकी वेरीफाई आईडी नहीं है, उसके द्वारा जो है कि फेसबुक पे पोस्ट किया गया था कुछ अजीब तरह से, इसको किस नज़रिए? श्याम बहादुर भाई के बात का कोई हम सीरियस लेते नहीं, बात साफ हमारे पार्टी के हैं और पूर्व विधायक हैं, अगर उन्होंने इस तरह से कुछ बोला है तो मैं समझता हूँ कि उनकी नासमझी है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर इंसान को भगवान के यहाँ जाना है, मरणोपरांत किसी के बारे में उछालना और जबकि कोई सबूत नहीं है, उसको वो उसको निमंत्रण मिला था तब तो वहाँ गया था जी, निमंत्रण कार्ड भी है, वहाँ से उसको ले जाया गया, उसकी तबीयत खराब हुई, उसे मारा पीटा गया, तो कानून को हाथ में लेने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे आज सद्दाम के घर आप लोग आए हुए? इस दुख के घड़ी में हम सब साथ हैं और बड़ा ये दर्दनाक हादसा हुआ, और सद्दाम ही नहीं हरदिया पंचायत बैसाखी गांव में भी आज से 4 रोज पहले एक बच्चे का जो है निर्मम हत्या हो गया है, और उसको कैलानपुर बाजार के आसपास चौर में उसका भी डेड बॉडी मिला है। 1 हफ्ता हो गया लगभग ये दोनों हत्या हुए और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों के, जो बैसाखी गांव में बच्चे के साथ जो हुआ और ये सद्दाम के साथ जो हुआ, दोनों बच्चों का जो भी दोषी हैं जल्द से जल्द सजा मिले उन्हें, और सरकार से हमारी मांग है कि दोनों ही परिवार बिल्कुल ही हैंड टू माउथ गरीब परिवार है, इन्हें एक उचित मुआवजा मिले ताकि परिवार को संभलने का मौका मिल सके।